बच्चों की कश्मीर में जिनकी पिटाई हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, तो जो हर हिंदू है, जो नॉन मुस्लिम है, उसको एक पार्टी बनाया जा रहा है कि पिटाई करने में आपके लिए हम पिटाई कर रहे हैं। तो मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि दो तीन साल पहले तक जो लोग, जिनसे हम लोग अपने आप हाँ, जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, एक अच्छी खासी डायलॉग कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, कन्वर्सेशन कर सकते थे, आज बड़ा मुश्किल हो गया। आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, जैसे वो जॉर्ज बुश कहा करते थे, माई वे या हाईवे। तो उस तरीके का एक कश्मीर में और पिटाई हो रही है। कश्मीर में जो हुआ उसके साथ साथ फिर हम पिटाई करते आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो एक बड़ा नेचुरल लॉजिकल एंटी पाकिस्तानिज्म जिसको कहना चाहिए, वो अपने आप में मुझको, मेरी अपनी समझ ये है कि पिछले 50-60 सालों में हम लोग कलेक्टिवली, हम लोगों को इस बात की हमेशा बड़ा फक्र होता था कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं हैं, हम रिलीजियस लोगों की बात नहीं सुनते, हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो सेकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ फौज की बात नहीं सुनी जाती, हमारे यहाँ आवाम की बात सुनी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हम लोग, वी आर डिफाइनिंग आवर सेल्फ विज़ावी पाकिस्तान, मतलब बजाय अपने आप को अमेरिका के साथ कंपेयर करने के या चाइना के साथ कंपेयर करने के, हम अपने आप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं। पहले हम अपने आप को डिफाइन करते थे कि हम एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक लिबरल लीगलिटेरियन सोसाइटी है। आज हम पाकिस्तान हर बात के ऊपर, हर चाहे हमारी कल्चर हो, फिल्म हो, बॉम्बे इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, पाकिस्तानी बाहर, आप पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगा, क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे, हम बातचीत भी नहीं करेंगे। तो एक हम अपनी अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करके ऊंचा समझते हैं, जबकि पाकिस्तान को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है हमको, कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, और पाकिस्तान ये करता है इसलिए हम अब पाकिस्तान की पिटाई करेंगे। ये हमारी इस वक्त मुल्क में एक उन्माद जैसा पैदा हो गया है, एक नया राष्ट्रीय रिलीजन बन गया है, एंटी पाकिस्तानिज्म इज आवर न्यू रिलीजन। तो वो एक, मुझको लगता है कि एक एक बहुत ही अनहेल्दी बात हो रही है। और जब से ये उरी का एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से हम भूल गए
कि ऊना में क्या हुआ, ऊना से उरी की जो जर्नी है, ऊना में हमने चार दलितों को पीटा, क्योंकि कुछ लोगों को ये शक था कि वो शायद कैटल काउ की स्मगलिंग कर रहे हैं, काउ की खाल कर रहे हैं। और उसकी हमको इतना अपने आप में एक नया वो था कि हम उस पिटाई की वीडियोग्राफी कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि लुक दिस इज व्हाट आई कैन डू, आई एम स्पीकिंग फॉर द मेजोरिटी, मेजोरिटी के नाम पे मैं ये बात, मेरे को ये हक मिल जाता है। अगर मैं हिंदू कहता हूँ अपने आप को और देशभक्त कहता हूँ तो मेरे को हक मिल जाता है कि मैं किसी भी आदमी की किसी शख्स पे भी पिटाई कर सकूँ। तो ऊना से लेके अब हम उरी तक आ गए और उरी से हमने, हम कह रहे हैं कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की है, वो फिजिकल बाउंड्री तो शायद कर ली तो कर ली, लेकिन साइकोलॉजिकल जो कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल एक, वो उससे ज्यादा डेंजरस मुझे लगता है। क्योंकि अब हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि तीन चार जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और वो बहुत ही खतरनाक संगम होगा। और तीन चार प्रोसेसेस क्या है, सबसे ज़्यादा, सबसे पहले मैं, हमको इस वक्त ये बताया जा रहा है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। एक मुल्क में हमने पर्सनैलिटी कल्ट पैदा कर दिया है, नायकवाद जिसको कहते हैं हिंदी में, कि एक देश की हर समस्या का हल है एक मजबूत नेता, मजबूत होना चाहिए। कुछ लोगों को ध्यान होगा कि 71-72-73 में भी एक मजबूत नेता थी देश में, इंदिरा गांधी। और मजबूत नेता क्या, पार्टी में उनको कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, सरकार के अंदर कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किसी एक अच्छी डेमोक्रेसी में होने चाहिए उन सबको हम काम नहीं करने दे रहे। कोशिश की जा रही है कि जो हमारी जुडिशरी है उसको हम किसी ना किसी तरीके से अपने शिकंजे में लाएं। तो ये जो सबसे खतरनाक टेंडेंसी इस वक्त है, एक व्यक्ति पूजा, हीरो वर्शिप, पर्सनैलिटी कल्ट, जो भी आप कहना चाहें, कि नरेंद्र मोदी हैं और वो मजबूत नेता है, दबंग नेता है, उनके सामने किसी को बोलने का हक नहीं है और जो बोलता है वो देशभक्त नहीं है, जो बोलता है उसमें राष्ट्रवाद की कमी है, वो शायद देशद्रोही हो सकता है। तो ये हिंदुस्तान की
डेमोक्रेसी के लिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एक पर्सनैलिटी सेंट्रिक कि देश में अगर बाथरूम की भी सफाई होनी है तो प्रधानमंत्री करेंगे, और अगर पाकिस्तान की पिटाई करनी है तो प्रधानमंत्री करेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो प्रधानमंत्री करेंगे, अगर जहाज खरीदने हैं, लड़ाकू जहाज खरीदने हैं तो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। तो एक जो हमको लगता है कि हाँ डेमोक्रेटिक आदमी को लगना चाहिए कि 75, 76, 77 में जो देश में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी का एक सबक हम लोगों ने सीखा था कि एक व्यक्ति विशेष, हिंदुस्तान का कोई भी रूलर, कोई भी हुक्मरान इतना मजबूत ना हो जाए, इतना ताकतवर ना हो जाए कि कोई उससे जवाब सवाल ही ना करे, और एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को हमने एक कमजोरी समझ लिया। जो एक कैबिनेट सिस्टम गवर्नमेंट है जिसमें कैबिनेट के लोग मिलके बैठ के करते हैं, तो 10 साल यूपीए के जो उसको हमने कहा कि ये तो एक कमजोर शासक था, मनमोहन सिंह वाज़ अ वीक प्राइम मिनिस्टर, ये एक परसेप्शन पैदा की गई कि मनमोहन सिंह कमजोर आदमी थे तो उनकी जगह एक मजबूत आदमी चाहिए। तो अब आपको एक मजबूत आदमी मिल गया है जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी पार्टी में नहीं सुनता। पहले अपनी पार्टी में जितने बुजुर्ग लोग थे उन सबको एक किनारे लगाया, फिर ब्यूरोक्रेसी में एक तरफ लगाया। तो जो एक डेमोक्रेटिक हमारे देश में और सारी दुनिया में एक जो हम लेसन सीख रहे हैं आजकल कि डेमोक्रेसी मीन्स अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी मीन्स ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी मीन्स आंसरेबिलिटी टू इन पार्लियामेंट। तो वो जो सब बातें हैं वो एक व्यक्ति विशेष पे आके रुक रहे हैं। जो दूसरी टेंडेंसी में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं आज कि हमारी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है कि हम देश में एक हिंदू राज बने। ये आर्गुमेंट ये है कि हम मेजॉरिटी हिंदुओं की है, एक हिंदू राज जरूरी बन जाता है। तो जितने भी गेरुए वस्त्र वाले जितने लोग हैं जिसको मैं क्रोनी बाबाइज्म कहता हूँ, वो इस वक्त वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। शायद आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कुछ 4-5 महीने पहले, 2-3 महीने पहले शायद एक श्री श्री रविशंकर महाराज हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी शो करना चाहता हूँ, डिस्पाइट एडवर्स रूलिंग फ्रॉम द कोर्ट, वो महाशय अपनी करने लगे अपनी शो हुई। और यही नहीं कि शो हुई, मजेदारी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री उस शो में गए
ये चूंकि एक पैराफर्नेलिया हिंदुइज्म का बना रखा है कि ये जो सेकुलर लोग हैं इनकी कुछ समझ में नहीं आता। एक हिंदू धर्म में हर चीज का आंसर है, हिंदू संस्कृति में, हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू रिलीजन में हर चीज का फायदा है। तो ये मॉडर्न साइंस वाइंस की बात छोड़िए, अब गुरुकुल की तरफ चलिए। एक जो 50-60 साल से हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेंपर जिसको हम कहते हैं, साइंटिफिक टेंपर की अब कोई बात नहीं करता। हम एक चूंकि हमको एक हिंदू राज की तरफ बढ़ना है और उसमें ऋषि मुनि जो भी अपने को ऋषि मुनि कहता है, साधु संत कहता है, उसने जो बात कहती वो हम उसको अब क्वेश्चन नहीं करते। तो मुझको लगता है कि ये नायकवाद पर्सनैलिटी कल जिस पहले मैंने बात करी, दूसरा डेंजर मेरे को लग रहा है कि हम एक हिंदू राज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा जो खतरनाक डेवलपमेंट मैं देख रहा हूं कि उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको, लेकिन एक कारपोरेट राज की एक हमारे यहाँ कि जो कारपोरेट इंडिया है उसकी हर बात माननी पड़ेगी, वो जो बात कहती है वो अच्छी बात है। तो एक जो ये हो गया है जो किसी जमाने में अमेरिका में रेगन कहा करते थे, शायद ट्रंप भी कहते हैं आजकल कि कारपोरेट्स को आप बढ़ावा दीजिए वही ग्रोथ करेंगे और वो बढ़ेंगे तो बाकी के लोग नीचे ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम पे जिसको हम कहते हैं। मिस्टर मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने आप को देश में इसी तरह बेचा कि वो ही इज बिजनेस फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर, और 1914 के चुनाव के दौरान मुझे ध्यान है कि जितने कारपोरेट हाउसेस थे हिंदुस्तान में वो सब बहुत ज्यादा पार्टीजन थे एंड दे वर ऑल कीन कि मिस्टर मोदी शुड बी। तो अभी पिछले अभी 2-3 सप्ताह पहले आप लोगों ने शायद यहाँ नहीं देखा होगा, हम सब लोग सवेरे उठे तो अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबारों के फ्रंट पेज पे एक रिलायंस का एडवर्टीजमेंट था और फ्रंट पेज पे मिस्टर मोदी की तस्वीर थी। ये हिंदुस्तान में पहली दफा हुआ है कि प्रधानमंत्री की फोटो एक बिजनेस हाउस के एडवर्टीजमेंट में, और वो कहा जा रहा है कि वो इंडोर्स कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ये एक मेरी अपनी समझ के मुताबिक इट वॉज ए सेमिनल इवेंट, और जो पावर स्ट्रक्चर है और कॉर्पोरेट इंडिया उसकी जो एक ग्रोइंग जिसको कन्वर्जेंस कहनी चाहिए उसका एक बहुत बड़ा नमूना था। नायकवाद, हिंदुत्व, कॉर्पोरेट इंडिया, और एक चौथा एलिमेंट जो मुझको लगता है कि बहुत हेल्दी नहीं है हमारे, हम फौज को तवज्जो दे रहे हैं बहुत ज्यादा और हमारी फौज भी ये मांग कर रही है
कि हमको मिलना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में फौज डिटरमिन करती है, आप पूरा जो मिलिट्री लिटरेचर है, इस वक्त का जो मिलिट्री डायलॉग हो रहा है देश में, कि डिमांड की जा रही है कि भाई हम नेशनल सिक्योरिटी, वी आर द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हमको बिठाएंगे आप CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो डिसीजन लेती है उसमें हमको बिठाइए। तो अगर आप लोगों ने अगर ध्यान किया हो, जो फुटेज रिलीज की गई थी अभी रिसेंटली कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मीटिंग हो रही है, जब ये फैसला लिया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करनी चाहिए, तो एक तरफ तो गरीब मुल्क में डिस्प्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज आर नाउ बीइंग स्पेंट ऑन डिफेंस, और सिर्फ इसलिए कि हमको नेशनल सिक्योरिटी का एक मंत्र हम पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल क्लास है वो अपनी सक्सेस के लिए आर्मी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में हमको शांति रखनी है तो आर्मी भेजिए, अगर कश्मीर में शांति रखनी है तो आर्मी भेजिए, और अब हमने एक नया अध्याय खोल दिया है अपने इतिहास में कि तीन बंदे उधर से आ जाते हैं तो हम अपनी पूरी फौज उस तरफ भेजेंगे। दूसरी तरफ आर्मी वाले कह रहे हैं भाई हमको पैसा दो, एक दो साल से वन रैंक वन पेंशन का एक एजिटेशन चल रहा है। तो फौज में इस वक्त एक ऑर्गेनाइज्ड अनईज जिसको कहते हैं, तो हम कुल एक पॉलिटिकल क्लास जो है उसकी पूरी एग्जिस्टेंस फौज की कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये जो मैंने शुरू में कहा था कि हम पाकिस्तान जैसे ना बन जाए, या हम पाकिस्तान जैसे नहीं बनना चाहते, अब हम पाकिस्तान जैसा बनना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं और खुलेआम कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। अगर आप डिबेट देखें विद इन द आर्मी आर्म फोर्सेस कि आर्मी का भी रोल है, आर्मी विल बी ए पार्टनर, इफ यू एक्सपेक्ट अस टू डू इट फॉर यू विल बी ऑल्सो इन ड्राइवर सीट, ये नहीं कि आप हमसे कह के काम करवाते हैं। तो इस वक्त इन सब जो चार मैंने एलिमेंट्स का जिक्र किया, इससे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, गरीब डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज जितने लोग हैं उनकी वॉइस कमजोर होती जाएगी मोर एंड मोर। अभी शायद दोनों तरफ की फोर्सेस बराबर बराबर हैं। तो एक मैं समझता हूं कि एक आने वाला ये 10-12 महीने हिंदुस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल वो रहेंगे, और माय फियर इज कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस विल लूज द बैटल, और जितना ये हम
एंटी पाकिस्तानिज्म, एंटी टेरर, देशभक्ति, ये जो सब बात करते हैं, इसका ज़्यादा पर्पज ये है कि हम यूपी में जो चुनाव है उसमें कैसे हम जीते। तो एक एवरीथिंग, चाहे वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक फोर्सेस डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हर चीज़ ये है कि हम एक जो नायक है उसकी उसको कैसे मजबूत करें, वो उसको सस्टेन कैसे करें। अगले 10-15 साल तक अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में रहते हैं तो एक हर चीज़ उस बात के लिए कि किस तरीके से उनको 15 साल अगले देश का प्रधानमंत्री बने रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो पंजाब में इलेक्शन होंगे वो शायद इस प्रोसेस पे एक ब्रेक लगा सके। जैसा कि आप सब लोग शायद जानते हैं कि पंजाब में एक नई पॉलिटिकल फोर्स आम आदमी पार्टी, वो एक चुनौती दे रही है और वो चुनौती अच्छी खासी चुनौती दे रही है। मैं पंजाब की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह नहीं समझता, लेकिन जितना मैं थोड़े समय में समझ पाया हूँ और जो हमारे रिपोर्टर्स वगैरह बताते हैं, तो एक ग्राउंड लेवल पे जो आपका एक मॉडल ऑफ न्यू पॉलिटिक्स जिसको कह सकते हैं कि लोग तैयार हैं कि हम एक नई पहल करें, ये घिसीपिटी राजनीति जिसको कहते हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, इससे हम अलग उठे, तो वो एक उस चीज जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ उसका एक, जैसे कहते हैं खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ा, तो उसी तरह पंजाब में एक बहुत जमीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है। लेकिन मैं शायद नहीं जानता और शायद कोई भी नहीं जानता होगा कि उस सेंटिमेंट को आने वाले चुनाव में किस तरीके से उसको हम इलेक्टोरल विक्ट्री में आपके जो लोग हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन जीतना भी अपने आप में एक आर्ट बनता जा रहा है। और लेकिन दिल्ली में जो आप के लोगों ने करके दिखाया है कि नए तरीके से नई पॉलिटिक्स भी की जा सकती है और नए तरीके से चुनाव भी जीते जा सकते हैं, तो वो एक पंजाब में एक वो पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई देती है। और मुझको लगता है कि अगर आप अपने कोई अच्छा पंजाबी चेहरा ढूंढ पाती है तो शायद उनकी बेटी